हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के आदुवाल में सरकारी भूमि पर अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि माफियाओं ने लाखों रुपयों का खनन चोरी करके सरकार को तो चूना लगा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग भी अवैध खनन से परेशान हो चुके हैं। इसी के चलते माफियाओं ने जमीन पर कई कई फीट के गहरे गड्ढे कर दिए हैं और इसी के आसपास के इलाकों में धूल व मिट्टी का गुबार बनता रहा है। अवैध खनन से ग्रामीणों की जमीन भी धीरे धीरे जद में आने लगी है। ग्रामवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अवैध खनन को जल्द नहीं रोका गया तो एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन व माइनिंग विभाग होगा। हमारी समस्या यहाँ अवैध खनन, इस अवैध खनन की वजह से हम अपने घर में बाहर भी निकल नहीं सकते हैं, बाहर भी बैठ नहीं सकते हैं और बुरा हाल है। ये सब सरकारी भूमि में हो रहा है और अवैध तरीके से हो रहा है। दिन रात जेसीबी मशीनें चल रही हैं यहाँ और दिन रात खनन माफिया, इनको किसी का डर नहीं है। सर मेरा नाम संजीव चौधरी है, गांव आदुवाड़ पंचायत घर रेडू से। हमारी ये है, यहाँ पे खनन दिन रात जोरों पे खनन हो रहा है जी। कोई सुध नहीं है, कोई माइनिंग वाले नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं है प्रशासन। मान लो दिन में, रात को तो चलो चोरी छिपे करते हैं, दिन में भी खनन हो रहा है यहाँ पे। शरेआम जाती है ट्रैक्टर, 20-20 ट्रैक्टर, चार चार हैवे, तीन तीन चार चार जेसीबी हैं। ये देख सकते हो आप पीछे कितने कितने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। प्रशासन से ये मांग है, अगर प्रशासन अभी भी नहीं जागा तो हम नालागढ़ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अभी जाग जाओ जल्दी और इनको मतलब चलान करो या तो कुछ भी करो, इनको बंद करो, अनलीगल काम बंद करो। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलह।